हेलो एवरीवन, आज जो मैं प्लांट आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ ये मेरा बेल का प्लांट है और इसके पत्ते आप देख सकते हैं कितने बड़े हो गए हैं। और इसको मैं पिछले साल गर्मी के दिनों में ग्रो की थी, जो बेल का शरबत हम लोग बनाते हैं मैं उसी के बीज को मिट्टी में दबा दी थी और जिससे मेरा पौधा तैयार हो गया है। और इसके इसमें दो तीन और पौधे भी निकल आए हैं और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी चल रही है। और इसको फुल सनलाइट में रखना चाहिए जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी बनी रहती है। और इसको घर पे लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। सावन के महीने में इसके पत्ते से शंकर भगवान की पूजा की जाती है और सोमवारी के दिन इसके पत्ते को चढ़ाया जाता है शंकर भगवान पे। और इसको लगाने के लिए आप वेलड्रेंड मिट्टी ही तैयार करें और उसमें इसको लगाएं और इसमें वर्मी कंपोस्ट डालें। इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें बस वर्मी कंपोस्ट डालने से ही इसकी ग्रोथ अच्छी बनी हुई रहती है। विंटर के टाइम में ये प्लांट थोड़ा कम ग्रोथ करता है। विंटर में तो मेरा ये प्लांट ऐसा लग रहा था जैसे ये सूख जाएगा, लेकिन फिर जब मैं इसमें फरवरी में जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई तो मैं उसमें दो तीन मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाली और तब से इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है। और पहले ये छोटे से गमले में मेरा लगा हुआ था, फिर जब इसकी ग्रोथ अच्छी हो गई तब मैं इसको थोड़ा बड़े गमले में शिफ्ट कर दी हूँ। और इसको आप एक सपोर्ट ज़रूर दें क्योंकि इसकी डाली जो होती है पहले पतली पतली होती है जो हवा चलने पे इधर उधर होती रहती है, तो इसको आप सपोर्ट दे करके ज़रूर से ज़रूर बांध दें तो जिससे ये इधर उधर होगा नहीं और प्लांट भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है फिर ये। और इसके आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है मेरा ये पौधा। और इसको डायरेक्ट सनलाइट में आप रखें और 15 से 20 दिनों में आप उसमें एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल दें और किसी खाद की ज़रूरत नहीं होती है इसको। और पानी इसको प्रॉपर देते रहें और फिर ये अच्छे से ग्रो करता रहेगा। तो इसको आप घर पे ज़रूर लगाएं क्योंकि ये बहुत ही शुभ पौधा होता है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।